मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के दृष्टि पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 बहुत ही मजेदार जीके के सवाल। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं? आपके विकल्प है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी केरल, डी नई दिल्ली। आपका सही विकल्प है सी केरल। आपका दूसरा सवाल है, ट्रेन का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके विकल्प है ए नेपाल, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी जापान। आपका सही उत्तर होगा सी इंग्लैंड। आपका तीसरा सवाल है, वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? आपके विकल्प है ए समुद्र तट पर, बी चित्रकूट में, सी भरद्वाज के आश्रम में, डी किष्किंधा में। आपका सही विकल्प है बी चित्रकूट में। आपका चौथा सवाल है, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का पानी पीता है? आपके विकल्प है ए चातक पक्षी, बी कोयल, सी कबूतर, डी तोता। आपका सही उत्तर होगा ए चातक पक्षी। आपका पांचवा सवाल है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आपके विकल्प है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कानपुर। आपका सही विकल्प है बी मुंबई। सामान्य ज्ञान की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य रखें। आपका छठवां सवाल है, सीता जी का जन्म किस देश में हुआ था? आपके विकल्प है ए चीन देश में, बी भारत देश में, सी नेपाल देश में, डी पाकिस्तान देश में। आपका सही विकल्प है सी नेपाल देश में। आपका सातवां सवाल है, किस देश में हाथी को मारने की सजा मौत है? आपके विकल्प है ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी जापान। आपका सही विकल्प है बी श्रीलंका। आपका आठवां सवाल है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? आपके विकल्प है ए मछली, बी खरगोश, सी हिरण, डी हाथी। आपका सही विकल्प है डी हाथी। आपका नौवां सवाल है, विश्व कप का सबसे छोटा मैच कब खेला गया? आपके विकल्प है ए सन 2010 में, बी सन 2012 में, सी सन 2014 में, डी सन 2015 में। आपका सही विकल्प है सी सन 2014 में। आपका दसवां सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपके विकल्प है ए जीवन के कारण, बी वायुमंडल के कारण, सी हवा के कारण, डी जल के कारण।
आपका सही उत्तर होगा डी, जल के कारण। सामान्य ज्ञान की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य रखें। आपका 11वां सवाल है, गरीब की रोटी किसे कहते हैं? आपके विकल्प है ए गेहूं, बी ज्वार, सी मक्का, डी बाजरा। आपका सही विकल्प है बी ज्वार। आपका 12वां सवाल है, रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? आपके विकल्प है ए सुंदरकांड, बी अरण्यकांड, सी उत्तरकांड, डी बालकांड। आपका सही विकल्प है डी बालकांड। आपका 13वां सवाल है, मच्छर की उम्र कितनी होती है? आपके विकल्प है ए 10 से 100 दिन, बी 5 से 50 दिन, सी 10 से 56 दिन, डी 1 से 60 दिन। आपका सही उत्तर होगा सी 10 से 56 दिन। आपका 14वां सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा पक्षी पाया जाता है? आपके विकल्प है ए मुर्गा, बी मोर, सी तोता, डी कोरैया। आपका सही उत्तर होगा ए मुर्गा। आपका 15वां सवाल है, भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? आपके विकल्प है ए 34 किमी, बी 44 किमी, सी 24 किमी, डी 36 किमी। आपका सही विकल्प है ए 34 किमी। सामान्य ज्ञान की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य रखें। आपका 16वां सवाल है, भीगी बिल्ली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके विकल्प है ए भीग जाना, बी डर जाना, सी सर्दी लगना, डी बिल्ली की शक्ल का होना। आपका सही उत्तर होगा बी डर जाना। आपका 17वां सवाल है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आपके विकल्प है ए मेघालय, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी उत्तर। आपका सही विकल्प है ए मेघालय। आपका 18वां सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपके विकल्प है ए नागासाकी, बी हांगकांग, सी दिल्ली, डी हिरोशिमा। आपका सही विकल्प है डी हिरोशिमा। आपका 19वां सवाल है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? आपके विकल्प है ए केला, बी आम, सी तरबूज, डी पपीता। आपका सही उत्तर होगा सी तरबूज। आपका अगला सवाल है, नीर का क्या अर्थ है? आपके विकल्प है ए परमात्मा, बी कुत्ता, सी आंख, डी पानी। इस सवाल का सही विकल्प आप सभी लोग कमेंट में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए
जी के दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य रखें।